Hi everyone, how are you? Welcome to my channel IK Free Programmer with Skill Based Knowledge. Kiwi के इस वीडियो में आपका स्वागत है और मैं आप लोगों को Kiwi की मदद से कैमरा यूज करना, यानी कि अपने अगर आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो Kiwi की मदद से और आप उसमें कैमरा का यूज करना चाहते हो तो मेरी इस वीडियो में बने रहो। इस वीडियो में आप लोगों को कैमरा को कैसे कैप्चर करना है या फिर स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हैं, उसको कैप्चर कर सकते हैं, वीडियो को प्ले कैसे कर सकते हैं, तो ये एक छोटा सा आपको देखने को मिल सकता है। और मैं आप लोगों को सबसे पहले उससे रूबरू करा दूंगा, मैं दिखा दूंगा रन करा के, उसके बाद कोड को दिखाने वाला हूँ। हालांकि मैं यहाँ पर पहले बात कर लूँ कि फ्रॉम या Kiwi की मदद से यूज़ किया है तो आपको सबसे पहले Kiwi को इम्पोर्ट करना होता है, तो फ्रॉम Kiwi डॉट ऐप इम्पोर्ट ऐप करना होता है, फ्रॉम सेकेंड लाइन Kiwi डॉट लैंग एंड इम्पोर्ट करना होगा बिल्डर को, ठीक है, बिल्डर का यूज़ करेंगे हम, फ्रॉम Kiwi डॉट UX डॉट बॉक्स लेआउट का यूज़ करेंगे, बॉक्स लेआउट को इम्पोर्ट किया मैंने, टाइम को भी इम्पोर्ट करना ना भूलें, ओके, बिल्डर डॉट लोड अंडरस्कोर स्ट्रिंग, अब इसके अंदर स्ट्रिंग जो भी हमारा बिल्डर सपोर्ट करेगा ये सारी स्ट्रिंग में रखा गया है, Kiwi लैंग्वेज है एक्चुअली, ये सारी Kiwi लैंग्वेज है, Kiwi लैंग्वेज के कोड हैं। तो उससे पहले मैं रन करा के आप लोगों को दिखा देता हूँ कि क्या आप लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आता है तो आप मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अदरवाइज आप स्किप कर दीजिएगा, ओके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस तरह की वीडियो और इससे अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को देखने को मिल सकती है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो रन करा लेते हैं। तो ये आपके सामने आ गया, कुछ इस तरह की चीज़ें आ गई, और जैसे ही मैं इसे प्ले करूँगा तो हमारी ये जो यहाँ पर प्ले नाम का बटन है तो हमारा कैमरा ऑन हो जाएगा और यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, प्ले करता हूँ तो आप देख पा रहे होगे, आपको मेरा फोन नजर आ रहा है, ठीक है। अब मैं कैप्चर करना चाहता हूँ तो देखिए आप कैप्चर भी कर पाओगे इसकी मदद से, देखिए कैप्चर हो गया। अब ये जितनी बार कैप्चर, तो आपको यहाँ पर प्रिंट करके भी दिखाई दे रहा होगा कि कैप्चर लिख के आ रहा है, ठीक है, तो इससे आपको कैप्चर हो जाएगा, इससे आपका प्ले हो जाएगा, ठीक है, अभी यहाँ पर पुश हो गया, फिर प्ले हो जाएगा यहाँ पर, ओके। तो इस तरह की भी कैमरा यूज करना चाहते हो अपने एप्लीकेशन में तो आप इस वीडियो को फॉलो करो। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कैमरा क्लिक, और आपको ओरिएंटेशन वर्टिकल करना होगा, कैमरा आईडी कॉलन कैमरा एंड रेजोल्यूशन कितना 640 दिया है, 480 आप यहाँ पर कम ज्यादा करके देख सकते हो, ठीक है। प्ले फॉल्स किया मैंने, यहाँ पर आपको जो है बटन बनाने के लिए टेक्स्ट प्ले एंड ये सारी कोड्स को यूज़ करना होगा, इससे आपको साइज हिंट वगैरह ये सारी चीज़ें आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। हिंट 48 DP की यहाँ वहाँ पर बटन बनाने के लिए टेक्स्ट, देखिए यहाँ पर सिर्फ बटन का डिज़ाइन, कोई भी चीज़ हमें डिज़ाइन करना होता है तो Kiwi की मदद से हम डिज़ाइन कर पाते हैं, और जितने भी बैकेंड में फंक्शन का वर्क करना होता है वो हमारा फायदा नहीं वर्क करता है। यहाँ पर एक और बटन बनाया गया है जिसका कैप्चर करने का काम है, उसका टेक्स्ट साइज का कैप्चर दिया हुआ है, साइज इंट नन है, और हाइट दिया 48 DP, और यहाँ पर ऑन प्रेस रूट डॉट कैप्चर तब ये हमारा कैप्चर करेगा। तो क्लास, यहाँ एक क्लास बनाया है कैमरा क्लिक नाम का, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो उस टैग के अंदर यूज किया गया है। तो कैमरा क्लिक नाम का एक क्लास बनाया है, उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है बॉक्स लेआउट, एंड उसके अंदर एक फंक्शन बनाया है कैप्चर जो कि सेल्फ आर्गुमेंट है, ठीक है। अब सेल्फ क्या करता है, सेल्फ ऑब्जेक्ट जो भी हम क्लास बनाते हैं उसके ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, इतना ध्यान रखें कि सेल्फ जो हमारा क्लास के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर मैंने छोटा सा मैसेज दिया, फंक्शन टू कैप्चर द इमेज एंड गिव देम द नेम्स अकॉर्डिंग टू देयर कैप्चर टाइम एंड डेट, ठीक है। तो जब भी हम कैप्चर करेंगे तो हमें उसकी टाइम और डेट भी साथ में देगा, इसलिए हमने टाइम इम्पोर्ट किया है, ठीक है। कैमरा इक्वल सेल्फ डॉट IDS, ठीक है, उसके अंदर कैमरा आपको कॉलन के अंदर लिखना होगा तो आपका कैमरा सामने आएगा लिखकर, ठीक है। और टेस्ट यहाँ पर दिया हुआ है time.start time.start time and f time, और यहाँ पर देखिए YMD, यानी कि ईयर मंथ डे में, और यहाँ पर आवर्स मिनट सेकंड में। कैमरा डॉट एक्सपोर्ट करेगा _2.png में, ठीक है, जो भी कैप्चर होगा वो इमेज किस में आएगी, png में आएगी, डॉट फॉर्मेट टाइम स्टार
तो यहाँ पर प्रिंट करना है कैप्चर। अब जब हम उसे क्लिक कर रहे हैं तो हमारा कैप्चर दिखाना चाहिए कि कब प्रिंट हो रहा है कि नहीं। तो प्रिंट अगर अगर ये फॉलो कर रहा है, ये का वर्क कर रहा है, तो आपको प्रिंट करके प्रिंट कर देगा कैप्चर, यानी कि कैप्चर हो रहा है। अदरवाइज इसे हटा भी सकते हैं, जरूरी नहीं है इसको लगाना, लेकिन मैंने आपको दिखाया कि ये वर्क कर रहा है। अगर अदरवाइज नहीं कर रहा होता तो एरर शो करता। बट यहाँ पर क्लास, दूसरा एक क्लास बनाया है टेस्ट कैमरा नाम का, टेस्ट कैमरा नाम ऐप। उसके अंदर एक फंक्शन बनाया है बिल्ड नाम का सेल्फ, और रिटर्न क्या कर दिया है, कैमरा क्लिक, जो कि यहाँ पर एक क्लास बनाया है कैमरा क्लिक, उसको रिटर्न करें। यानी कि ये पूरा जो भी क्लास का फंक्शन है वो फंक्शन इस क्लास के फंक्शन के अंदर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया, इसको रिटर्न कर रहा, तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट जो बना हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पर टेस्ट डॉट कैमरा, ये जो हमारा क्लास बना है, तो उसको यहाँ पर रन करेगा। जैसे ही रन करेगा तो ये वर्क करेगा और यहाँ की ये डिज़ाइन सामने आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो हम आपको फिर से एक बार रन करा के दिखा देते हैं। तो आपके सामने इस तरह फोन के लुक का, साइज का आ गया, और यहाँ जैसे ही प्ले कीजिएगा तो प्ले हो जाएगा कैमरा। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को दिखा दी। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आपको ये कोड यूज कर सकते हैं, तो प्लीज कोड को यूज करें, और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।